जय हिंद दोस्तों। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको समझ में आ ही रहा होगा और टाइटल भी आपने देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं वो प्राग में जो कैपिटल सिटी है, जो लार्जेस्ट सिटी है चेक रिपब्लिक की, तो यहाँ पर कैसे आना है और क्यों आना है वो तो आपको डिसाइड करना है, पर यहाँ पर आपको करना क्या है, कैसे घूमना है वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर प्राग आया हूँ घूमने के लिए और मैंने बनाया है आपके लिए बहुत सारे वीडियो जहाँ आपको जाना चाहिए पर कैसे जाना चाहिए उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अच्छा, तो अभी प्राग जो सिटी है ये हमने एक्चुअली 5 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको घूमने में आसानी हो। देखिए, इसमें एक तो है न्यू टाउन, दूसरा है ओल्ड टाउन, तीसरा है एक ज्यूइश क्वार्टर, उसके बाद एक है जो लेसर टाउन और उसके बाद आता है कैसेनिस्ट। तो हर चीज़ हर जगह मैं आपको घुमाऊंगा, पर कैसे जाना है वो भी समझाऊंगा, कितने पैसे खर्चे होंगे वो भी बताऊंगा, क्या क्या आप कहाँ कहाँ खा सकते हैं वो भी रखूंगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और जैसे जैसे मैंने घुमा है वैसे वैसे अगर आप प्लान करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग घूमना चाहो तो भी कर सकते हो। प्राग सिटी घूमने से पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। हमने होटल का पैसा बचाने के लिए ओवरनाइट जर्नी करी थी ज्यूरिख से प्राग सिटी तक। हमने ये जर्नी करी थी रिजियो जेट बस से और हम उतर गए प्राग मेन रेलवे स्टेशन यानी प्राग बैनहॉफ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये प्राग स्टेशन नहीं तो बाद में नहीं, तो अभी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि डे टिकट आती है कि नहीं, जैसे स्विट्जरलैंड में था। और बस के बारे में बताओ तो बस बहुत अच्छा था। ये बस आप बुक कर सकते हैं, दो एक दो रिजियो जेट चलती हैं और दूसरी चलती है फ्लेक्सी बस, और ये दोनों ही अगर आपको बुक करना है यहाँ पे भी ओमी ऐप होता है, आप इसको बुक कर सकते हैं, ये दोनों आप में बुक कर सकते हो। दूसरा बस एकदम प्लेन जैसी थी, यानी फील लगे ए सी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए था, लाइट के लिए था, फिर सर्विस के लिए था, फिर स्टॉप फिर रिकॉल था, अंदर टॉयलेट था, कॉम्पैक्ट था, थोड़ा ठीक चले थे। बाकी बस की जब टिकट्स थी अगर आप पहले बुक करते हो थोड़ी सस्ती पड़ती है, अगर आप जितना लेट डिले करते हो उतना, फिर ऐसे ये जुआ जैसा जितना लेट करोगे उतना पड़ता जा पाओ। नो आई कैन स्पीक स्विट्जरलैंड में सोचा था वैसा हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये है ये टिकट, ये 24 आवर्स के लिए वैलिड है और ये मैंने ले लिया है ये मैप, ठीक है। और जैसे कि मैडम ने समझाया है कि यहाँ पे हम लोग जो इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल इंफॉर्मेशन वहाँ पे समझाया है, यहाँ पर आप बसेस ले सकते हैं, ट्रैम ले सकते हैं और मेट्रो ले सकते हैं, और हमारे पास अभी क्रॉन्स है नहीं एक्सचेंज के लिए, तो अभी हम लोग जाएंगे एक्सचेंज करने के लिए। ना तो इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा है, ये जो है ये यूरो रेल की टिकट की लाइन है, तो यहाँ पे आपको नहीं आना। एक यूरो का 18 क्रॉन्स बोला कि मार्केट प्राइस 23 है, यानी अगर मैं 100 यूरो अगर ट्रांसफ़र लेता हूँ क्रॉन्स के लिए तो मुझे लगभग वो चार्ज करेगी 4000 रुपये, तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी मेरी, क्या करें, नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी मैंने किया नहीं है क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ा नहीं है, देखता हूँ कौन अच्छा रेट देता है। अभी होटल जाते हैं, होटल में चेक करते हैं क्या करें और सब थोड़ा समझते हैं कहाँ जाना है कैसे जाना है। अभी पहले तो वाइफ को मिल लूँ क्योंकि वाइफ को वहाँ बैठा के आया हूँ बस स्टैंड के पास, वो भी परेशानी हो रही होगी। भाई यहाँ पर आप आओ तो क्रॉन्स लेके आना थोड़े बहुत, तो क्योंकि यहाँ पर अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो वहाँ पर कॉइन्स चाहिए। स्विट्ज़रलैंड जैसा हिसाब नहीं यहाँ पे कि आप टॉयलेट यूज़ कर सकते हो या ट्रेन में होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़े बहुत क्रॉन्स चाहिए। और यहाँ पे जो मशीन्स है कार्ड से पेमेंट होता है लेकिन आपका जो वही है सारे चार्जेस और बढ़ जाते हैं। यहाँ से हमें लेनी है पैंक्रैक स्टेशन के लिए मेट्रो, और यहाँ पर टोटल 3 मेट्रो चलती है ABC जिसका साइन इस तरह होता है, और यहाँ से हम लेते हैं हमारी पैनक्रैक के लिए मेट्रो जो हमें ले जाती है हमारे पैनारामा होटल के पास। यहाँ पर चेकिंग टाइम 2 बजे की बात का था तो हमने अपना लगेज ड्रॉप किया और हम निकले ओल्ड टाउन के लिए। और अब लोग यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, पहले तो मनी एक्सचेंज करेंगे
फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे ओल्ड स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, क्योंकि टिकट ले ली थी सुबह हमने। तो यहाँ से मेट्रो ट्रेन लेके हम लोग पहले जा रहे हैं मनी एक्सचेंज करने के लिए। चलिए फिर आपको मैं बताता हूँ कहाँ आपको सस्ते मनी एक्सचेंज आप कर सकते हैं। एक यूरो का मुझे 23 क्रॉन्स दिया है जो एक्चुअल चल रहा है, और बढ़िया बढ़िया एक्सचेंज रेट मिला हम लोग। ये जो है पेनक्रिक करके स्टेशन का नाम है, पेनक्रेस करके नाम है, यहाँ से आप एक्सचेंज करा सकते हैं। तो अभी हमने 100 यूरो हमने एक्सचेंज करा लिए, 2300 कर दिया हमने इसको। चलिए अभी कुछ घूमते हैं, ओल्ड टाउन स्क्वायर चलते हैं। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने स्टेशन से। अगर आप टिकट नहीं लिया होगा तो टिकट यहाँ ले सकते हैं, यहाँ से लेके आपको वैलिडेट करना होगा तभी आप जाओ ना, नहीं तो आप विदाउट टिकट माने जाओगे। टिकट आपकी तब तक वैलिड नहीं होती तब तक उसको आप वैलिडेट नहीं करते। तो वैलिडेट कैसे करना वो आपको दिखाते हैं। ये आपको टिकट लेना है और इसमें एंटर करो, ये आपकी वैलिडेट हो गई बस। जब आप गूगल मैप में चेक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, डिफरेंट रूट मिलते हैं, तो आपको चॉइस करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। हमने मेट्रो ट्रेन का रूट लिया है जिसमें हमें सी लाइन लेनी है। हम सी लाइन पे उतर के वहाँ से वॉक करके जाएंगे ओल्ड स्क्वायर। ये हम लोग चल रहे हैं अभी ओल्ड स्क्वायर में। यहाँ से ओल्ड स्क्वायर का डिस्टेंस 1.3 किलोमीटर था, करीब 14 मिनट का वॉकिंग था। तो हम दोनों को नेचर कॉल आया, और सबसे दिक्कत वाली बात बाद में हमको ये लगी कि यहाँ पर कहीं भी पब्लिक टॉयलेट आपको नहीं मिलता है। आपको ढूंढना पड़ता है कि पब्लिक टॉयलेट कहाँ अवेलेबल है, तो ही आप यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। किसी तरह हमें एक मॉल मिला और हम लोग वहाँ पर गए। यहाँ पे हम लोग को अभी हम लोग ओल्ड स्क्वायर जा रहे थे, तो ओल्ड स्क्वायर जाते जाते हमको नेचर कॉल आया, मुझे और राधा को, मेरी वाइफ को, दोनों को। तो ऐसे वैसे लोग जाके आते हैं। तो इस पे अगर आप बाथरूम जाते तो 20 क्रॉन्स देना पड़ता है। सही में यार, पल पल हमको स्विट्ज़रलैंड की याद आती है ना। स्विट्ज़रलैंड में इतना कंफर्टेबल था जो यहाँ पे कुछ नहीं। प्राग में आपको टॉयलेट ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो आपको या तो कुछ खाना पड़ेगा या तो कुछ लेना पड़ेगा, तभी आप टॉयलेट मैनेज कर पाओगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच जाते हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन पे, ओल्ड टाउन स्क्वायर में। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बट ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।